मुख्य रूप से मुंबई में मनाए जाने वाले इस फेस्टिवल में जितनी रौनक गणपति बप्पा को घर लाने की होती है, उससे अधिक गणपति विसर्जन की होती है। गणपति उत्सव में देश के कोने कोने से लोग बप्पा के दर्शन के लिए मुंबई आते हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार में आमतौर पर हर कोई बप्पा के रंग में रंगा नजर आता है। जितना उत्साह लोगों को भगवान गणपति को घर लाने के वक्त दिखता है, उतना ही विसर्जन के दिन भी देखने को मिलता है। इस वर्ष कोरोना महामारी का प्रभाव गणपति उत्सव पर भी देखने को मिल रहा है। भगवान प्रथमेश के विसर्जन का कल पहला दिन था, जिससे मुंबई में 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन कहा जाता है। वसई विरार में भी विसर्जन के पहले दिन सार्वजनिक तालाबों पर लोग अपने आराध्य भगवान गणपति को विसर्जित करने जाते पहुंचे। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकरिया, इस जयघोष के साथ हर साल की तरह इस साल भी भक्तजन गणपति की मूर्ति विसर्जन करने के लिए तालाब पर आ रहे हैं। हालांकि हर साल ढोल ताशों के आवाजों के साथ लोग नाचते गाते गणपति बप्पा का विसर्जन करने के लिए आते थे, लोगों के चेहरे पर गुलाल देखा जाता था, पर इस साल कोविड-19 के कारण लोगों के चेहरे पर मास्क देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नालासोपारा पूर्व के मोरेगांव इलाके में। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई है गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिसकर्मी है जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने के लिए मदद कर रही है। अगर बात की जाए तालाब पर गणपति बप्पा की मूर्ति विसर्जन के बारे में, तो हर साल की तरह इस बार भक्तजन खुद गणपति बप्पा की मूर्ति विसर्जन करने अंदर नहीं जा पाएंगे। गणपति बप्पा की मूर्ति विसर्जन करने के लिए जो तालाब के कर्मचारी होते हैं या फिर जो VVMC के जो कर्मचारी है, वो है जो गणपति बप्पा की मूर्ति अंदर जाके विसर्जन कर रहे हैं। अगर बात की जाए समय की, तो समय गणपति बप्पा का जो विसर्जन करने का जो समय है वो सिर्फ 8 बजे तक बताया गया है। बताया जा रहा है कि जो 7 दिन और 5 दिन के गणपति है, उनके लिए भी यही समय और यही नियम लागू रहेंगे। मेट्रो सिटी समाचार के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विशाल गुप्ता के साथ प्रज्ञा वाघमारे। पूरे साल के इंतजार के बाद लंबोदर के आगमन और उनके विसर्जन में तल्लीन लोगों का भाव देखने लायक रहा। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया के नारों और जयघोष के साथ गणपति बप्पा को विदा किया जा रहा था। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए इस बार प्रशासन बेहद चौकन्ना और व्यवस्था चाक चौबंद रही। महानगर पालिका कर्मचारियों व पालघर पुलिस की टीम ने बड़ी सक्रियता और सूझबूझ के साथ विसर्जन कार्यक्रम संपन्न करवाया। वहीं इस बार बिल्डिंग और सोसाइटियों में कृत्रिम तालाब बनाए गए थे, जहां भगवान को विसर्जित किया गया। यह कदम भीड़भाड़ रोकने और संक्रमण से बचाने के लिए उठाया गया। भले ही राजनीतिक पार्टियों ने जनता के लिए फिरते तालाब उपलब्ध कराने की बात कही हो, पर इस मामले में भी वो फीसदी ही नजर आए। उनके द्वारा कृत्रिम तालाबों की बात सिर्फ बात ही तक सीमित रही। अधिसंख्यक लोगों ने पारंपरिक तरीके से तालाबों में ही मूर्ति का विसर्जन किया। टीम मेट्रो सिटी समाचार, वसई विरार।